पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष को लाइन पार में भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित महिला मोर्चे की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा बनने पर टीम के साथ उनका स्वागत भी किया गया और इस दौरान उन्हें गौ माता भेंट भी की गई। इस अवसर पर लाइन पार मंडल अध्यक्ष संजीव चौहान, चंचल शर्मा, रवि मग्गू, संजीव वर्मा, कमल, नवीन, मनु, सरिता सिंह, भावना चौधरी, सुनीता सैनी, इंदु वंदना के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। योग प्रशिक्षिका ज्योति बंसल के द्वारा लाइन पार स्थित रामलीला ग्राउंड में ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महानगर महिला मोर्चे की महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित मौजूद रही। इस अवसर पर देशभक्ति के तराने गूंजते रहे। महिला मोर्चे की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित ने इस दौरान कहा कि आज देश तरक्की कर रहा है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो विकास में सहायक हैं। कोविड-19 के दौरान देश ने तमाम संकट झेले, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट से केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से समस्याओं पर काबू पाया जा सका। तो वहीं ज्योति बंसल ने कहा कि जितना विकास पूर्व की सरकारों में नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा विकास अब दिखने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 साल में तेजी से बदलाव हुआ है। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारा राष्ट्रीय पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ हमारे रामलीला ग्राउंड परिसर में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन योग शिक्षिका ज्योति बंसल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहाँ मुझे ध्वजारोहण का एक मौका मिला, जो कि बहुत ही हर्ष हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि बहनों की हमारी भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा। देश में सर्वाधिक योगदान आधी आबादी का हमेशा से रहा है और आधी आबादी इससे भी ज़्यादा अगर राष्ट्रीय पर्वों में बढ़ चढ़ के भागीदारी करती है, तब मन स्वतः ही बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के आयोजन और ज़्यादा आधी आबादी के द्वारा हों, तो देश के लिए एक अच्छा ही समाचार जाता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।